गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे और नया चैप्टर है हमारा अपवाह तंत्र। ये आपको ध्यान से पहले यहाँ समझना है, जो अपवाह तंत्र जो आपको ये शब्द है इसका हम पूरी डिटेल निकालेंगे भी क्या है ये, ठीक है। तो इसको पहले आपको यहाँ से समझना है, उसके बाद में जो आपका होमवर्क ऑप्शन आता है ऐप के अंदर, वहाँ से आपको होमवर्क है जो नोट है करने के लिए दिया जाता है और लर्न करने के लिए दिया जाता है, वो आपको वहाँ से करना है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो यहाँ से आपको समझनी है। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया अपवाह तंत्र को, तो ये आगे टेंथ में भी आएगा, प्लस वन में भी आएगा, ठीक है। और प्लस वन है वो तो नाइन्थ में करके आए हैं, टेंथ में भी करके आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेना, बड़ा ही आसान टॉपिक है ये, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे अपवाह तंत्र क्या होता है। जल के एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा या धारा में प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आपके पास अगर कोई रफ कॉपी है या पिछले साल की जो कॉपियाँ पड़ी है, एसएस की कॉपी बची हुई है, तो उसके अंदर आप इसको नोट करना है। उसके बाद में जो आपकी फेयर कॉपी है उसमें आपको ये मैं बताऊंगा लास्ट में भी कौन कौन से पॉइंट अब आपको करने हैं, वही आपको करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, जल के एक निश्चित धारा में प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। धाराओं के या सरिताओं के जाल या तंत्र, जाल या तंत्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। अब इसकी दो प्रकार से आपके सामने व्याख्या है। एक तो सिंपल है, जल की एक निश्चित धारा में प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। मान लीजिए ये नदी है कोई, ठीक है, ये बह रही है, इसमें जल है, वो इस दिशा में कंटिन्यू चलता रहता है। इसी को क्या बोला जाता है, अपवाह तंत्र। अब इसके अंदर जो अन्य नदियां हैं वो आकर भी मिलती है, वो अपना जल गिराती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये एक जाली का आकार या जालनुमा यहाँ एक इन्वायरमेंट पैदा हो गया, ठीक है, या इस प्रकार क्या करती है वो नज़र आती है। तो इसी संपूर्ण जाल को क्या कहा जाता है, अपवाह तंत्र। आ गया होगा आपके समझ में अपवाह तंत्र, यानी जल का एक निश्चित दिशा में बहना अपवाह जाल या अपवाह तंत्र कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर अपवाह तंत्र। अब इनका विकास किस प्रकार हुआ है, क्या कारण है, पर्वतीय क्षेत्रों से इनका उद्गम स्थान है, या फिर ये मैदानी भाग से है, या पठारी भाग से ये जल निकल रहा है, तो ये सारा हमें देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, उत्पत्ति एवं विकास, यानी कितने की ये अपना जो क्षेत्रफल है, कितना का जल है, इसकी दूरी तय करता है, ठीक है।
और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिमालय से हुई है या पठारी भाग से हुई है या मैदानी भाग से हुई है, ये सारा हमें उत्पत्ति में देखेंगे और विकास में देखेंगे। ठीक है, तो आपको करना है यहाँ नोट है, दो मुख्य बातें हमारी, एक होता है कर्मवर्ती, कर्मवर्ती अपवाह है। अब उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर हम इसको दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, कर्मवर्ती अपवाह है, दूसरा है अक्रमवर्ती, अक्रमवर्ती ठीक है अपवाह है। तो ये हम इसको दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, पहला क्या हुआ क्रमवर्ती, दूसरा क्या हुआ अक्रमवर्ती अपवाह है। ठीक है, अपवाह का आपको अर्थ बता ही दिया है, एक निश्चित धारा में जल है वो किसी धारा में बह रहा है, उसे ही अपवाह जाल या अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में अपवाह है यानी क्रमवर्ती अपवाह है, उसको क्या कहेंगे, इसका अर्थ देखते हैं, डाल के अनुरूप बहती हुई नदियां, डाल के अनुरूप बहती हुई नदियां कर्मवर्ती कहलाती है यानी डाल के अनुरूप, मान लीजिए ये एक पर्वत है, ठीक है, अब नदी है इधर निकल गई और इधर जा रही, अब डाल की साइड है इस साइड है, तो ये नदी अपना जल लगातार इस दिशा में बह रहा है, गति कर रही है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, अक्रमवर्ती, ठीक है, कर्मवर्ती अपवाह है। इसके बाद में अक्रमवर्ती प्रवाह है, ये इसके विपरीत हो जाएगा, डाल के विपरीत बहती हुई नदियां, डाल के विपरीत दिशा में बहती हुई नदियां अक्रमवर्ती कहलाती है। मान लीजिए ये कोई डाल है, जैसे ये है, ठीक है, ये डाल है, नदी क्या है वैसे बह रही है, ठीक है, ऐसे नदी है वो लगातार बह रही है, पहले में क्या था ऐसे थी, अब ऐसे बह रही है। अब इस प्रकार की जो आकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, अक्रमवर्ती नदी, ठीक है, अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। ठीक है, अब हम आगे क्रमवर्ती है, इसको हम आगे चार भागों में, ये आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए क्योंकि आपके समझ में नहीं आएगा ऐसे, आप ऐसे इस प्रकार मैं आराम से कर रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ आपको, तो ये आप इसको आराम से करो और कॉपी में इसको अच्छे से नोट करते जाओ, फिर आपके समझ में आएगा, समझ में एक बार आ गया तो फिर आप नहीं भूल पाओगे इसको। तो सबसे पहले हम क्रमवर्ती अपवाह है उसको हम फिर आगे चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, मान लीजिए उत्पत्ति और इसके आधार पर हमने दो भागों में इसको वर्गीकृत कर दिया था, अब हम इसके चार भाग यानी चार भागों में इसको वर्गीकरण करेंगे। नंबर एक अशुवर्ती अपवाह है, ठीक है, नंबर दो परवर्ती
अपवाह है। नंबर तीन प्रति अनुवर्ती, प्रति अनुवर्ती अपवाह है। नंबर चार नव अनुवर्ती, नव अनुवर्ती अपवाह है। ठीक है, फिर इसको हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर एक अक्रमवर्ती अपवाह है, उसको हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर एक पूर्ववर्ती अपवाह है, नंबर दो अध्यारोपित, अध्यारोपित अध्यारोपित अपवाह है। ठीक है, तो इसको हमने दो भागों में वर्गीकृत किया और इसको हमने एक चार भागों में। तो अब हमें ये समझना है अशुवर्ती क्या है, परवर्ती क्या है, प्रति अनुवर्ती क्या है, नव अनुवर्ती क्या है। ठीक है, एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए ये कोई पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ से नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से कोई नदी है वो बह रही है, ये नदी है, इस प्रकार ये बह रही है। ठीक है, इस प्रकार जो बह रही है इसको क्या बोलेंगे, अनुवर्ती, अनु दिखाई दे रही है, अनुवर्ती, अनुवर्ती। ठीक है, अब कोई नदी है वो पर्वतीय क्षेत्रों में इस दिशा में डाल के विपरीत बह रही है, उसके बाद में इसमें एक नदी और आकर मिल जाती है, इस साइड से इसमें आकर नदी अपना जल है वो गिरा देती है, ये मुख्य नदी है, इसमें कोई नदी आकर जल गिरा देती है। तो इस प्रकार जो जल आकर गिराती है दोनों साइडों से, इस साइड से भी एक नदी आ रही है वो जल गिरा रही है, वो ज़रूरी नहीं है दोनों साइड से नदी आकर जल गिराए तभी प्रवृत्ति हो, एक साइड से कोई नदी मुख्य नदी में इस प्रकार से जल आकर गिराए, ठीक है, डाल के अनुरूप, डाल के अनुरूप यानी ये डाल है, मान लीजिए नदी यहाँ की गिरी, तो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये नदी यहाँ आकर गिरी समझ लीजिए आप यहाँ। ठीक है, ये डाल के विपरीत है, ये डाल के अनुरूप है, तो कोई नदी आई उसको क्या कहेंगे, परवर्ती, परवर्ती अपवाह है। ठीक है, अब ये जो नदी है इसमें एक नदी कोई और आ रही है ऊपर से, ये नदी इसमें अपना जल नहीं गिराकर ये इसमें गिराती है और फिर ये इसमें गिरा देती है, तो ये जो इस प्रकार जल गिर रहा है इसको बोला जाता है नव अनुवर्ती। ठीक है, अब ये प्रवृत्ति है ही पहले से, इस दिशा से आ रही है, समांतर भी बह रही है, परंतु जल नहीं गिरा रही है, इसमें गिराकर जल इसके माध्यम से इसमें आ रहा है, तो ये अनुवर्ती कहलाएगी, ये प्रवृत्ति कहलाएगी, ये अनुवर्ती, ठीक है, कहलाएगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो अब एक नदी है वो क्या है, वो सामने से आ रही है और इसमें जल इसके माध्यम से गिरा रही है, इसके माध्यम से, प्रवृत्ति के माध्यम से ये नदी इसमें आके गिरी, ठीक है, और इसके माध्यम से इसमें जल आ गया मुख्य धारा के अंदर, इसको क्या बोलेंगे, प्रति, प्रति अनुवर्ती। अब अनुवर्ती तो है ही, प्रति लग गया यानी इसके
विपरीत जा रही है, इसके सामने से आ रही है, परंतु जल इसमें सीधा नहीं गिराकर जल प्रवृत्ति के माध्यम से इसमें गिर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रति अनुवर्ती। अब देखते हैं अक्रमवर्ती। अक्रमवर्ती में क्या होता है, तीन प्रकार के यहाँ हमें देखना पड़ेगा डायग्राम। पहला है, मान लीजिए कोई नदी है, कोई भाग है धरातल का, समतल है पहले, उसके ऊपर से नदी बह रही है, ठीक है। नदी बह रही है, समतल है भाग, नदी अपना अवसाद जमा करती जा रही है, जमा करती जा रही है, और दाब के कारण एकदम से क्या होता है, हलचल होती है, आंतरिक हलचल होती है, विस्फोट हो गया या अन्य कोई कारण हो गया, जिसके कारण ये जो होता है ये धरातल, धरातल क्या है दूसरे डायग्राम में यह समझो, ये इस प्रकार से उठ जाता है ऊपर नीचे, यानी वलन पड़ जाते हैं इसके अंदर, इसको वलन बोला जाता है, हमने पिछले लेसन में किया है वलन और भ्रंश। कोई नदी बह रही है, दाब और या अवसाद जमा होता जा रहा है, दाब और ताप के कारण जो धरातल है उसमें वलन पड़ गया, ठीक है। और नदी क्या है, नदी वहीं से बह रही है, नदी अपना मार्ग है वो चेंज नहीं किया। अब तीसरा डायग्राम क्या है, अक्रमवर्ती में है तीसरा। अब तीसरे में क्या है, कोई नदी है, बलन और वर्ष के कारण धरातल ऊपर नीचे हो गया, परंतु नदी अपना मार्ग चेंज नहीं कर रही है, वो वहीं से बह रही है, ठीक है। अब देखो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती उपाय, पूर्ववर्ती उपाय क्या होता है, पहले से बहती नदियां, पहले से बहती नदियां पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहलाती है। चलो दोबारा देखो, पूर्ववर्ती अक्रमवर्ती में दो भाग, पहले में क्या है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पूर्व, ठीक है, यानी पूर्वज, स्त्री में लगता है ना पूर्वज, पहले से कोई धरातल है, समतल है, नदी बह रही है डाल के अनुरूप, फिर क्या होता है एकदम से वलन और भ्रंश पड़ता है काफ़ी समय के बाद में, धरातल उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा हो जाता है, परंतु मार्ग चेंज नहीं करती नदी अपना और बहती रहती है। तीसरे में क्या है, दूसरे में इसका कटाव होता रहता है, ये देखो ये थोड़ा सा मोड़ ज़्यादा हो गया ना, तो नदी ने क्या किया इसको काट दिया, ठीक है, नदी ने काट दिया इसको और गहरा कर दिया, तो नदी अपना मार्ग चेंज नहीं कर रही है परंतु मार्ग को निश्चित कर रही है, ठीक है, यानी काटती जा रही है, काटती जा रही है, यानी नदी अपना मार्ग चेंज नहीं कर रही है, तो पहले से ही बह रही है, तो पहले से बहती नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहलाती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये, ठीक है, पूर्ववर्ती। अब देखते हैं अध्यारोपित अपवाह, अध्यारोपित अपवाह क्या होता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, अध्यारोपित नदियां। अध्यारोपित में क्या होता है, कोई बलन और भ्रंश के कारण पूर्ववर्ती नदियां वो बह रही है, ठीक है, पूर्ववर्ती नदियां बह रही है, इसको काटती जा रही है, इसको काटती जा रही है, यहाँ से बह रही है नदियां, ये मार्ग चेंज नहीं करती है बलन भ्रंश पड़ने के बाद में भी, और ये लगातार बहती जाती है। अब क्या होता है, इतनी गहराई हो जाती है इस क्षेत्र की कि ये सामान्य मतलब ये और इस साइड, ठीक है,
ये बलन और बनस पड़ा, तो ये इतना ही था। अब यहाँ से नदियाँ बह रही, इसका कटाव हो रहा है, यहाँ से कोई नदी नहीं बह रही तो ये इसका कटाव नहीं हो रहा। तो सामान्य से काफ़ी गहरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, दोनों किनारे खड़े डाल वाले हो जाते हैं। तो ये क्या करती है, घाटी का निर्माण करती है। तो इससे घाटी का निर्माण होता है, जब ये गहरी हो जाती है घाटी, तो इसे क्या कहते हैं, अध्यारोपित नदियाँ। अब इसके माध्यम से जो गुजरी नदियाँ या जो नदी चल रही है उसको अध्यारोपित की संज्ञा दी जाती है। चलो आप नोट करो, पहले से, यानी पहले मैंने इसलिए लगाया क्योंकि वो पूर्व आपका थोड़ा सा पीछे हट जाए, या आप इसमें कहोगे पूर्व, ठीक है, पूर्ववर्ती नदियाँ या पहले से बह रही नदियाँ, पहले से बह रही नदियाँ थी, नदियाँ पहले से बह रही थी उसको तो पूर्ववर्ती बोलेंगे, परंतु जैसे इसकी घाटी गहरी हो जाएगी तो ये अध्यारोपित में आ जाएगी। तो कुछ नदियाँ हैं उसका पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, वो घाटी का निर्माण नहीं करती, वो पूर्ववर्ती में रहती है। और कुछ नदियाँ इस प्रकार की है जो घाटी का निर्माण करती है, क्योंकि चट्टान नरम होती है कई नदियों के मार्ग की, तो वो कट जाती है, तो वो किस में आएगी, अध्यारोपित में आ जाएगी। ठीक है, पहले से बह रही नदियाँ थी परंतु बाद में यह चट्टानों को काटती है और घाटी का निर्माण करती है, काटती है और घाटी का निर्माण करती है। इसका आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अध्यारोपित नदियों की श्रेणी में गिनी जाती है। नंबर एक गोदावरी, नंबर दो कृष्णा। अगर इनके अपवाह तंत्र को देखा जाए तो ये नदियाँ अध्यारोपित नदियाँ हैं, ये अपनी घाटी को गहरी करती जा रही है। ठीक है, और हमने पूर्ववर्ती में कोई उदाहरण नहीं लिया था, पूर्ववर्ती में देखते हैं। पूर्ववर्ती में आप नोट करो, पूर्ववर्ती में हम कौन कौन सी नदियाँ वो उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ नोट करवा रहा हूँ पूर्ववर्ती की। जैसे सिंधु, सुना होगा नाम आपने सिंधु, और दूसरा है ब्रह्मपुत्र। ये जो नदियां हैं ये दोनों पूर्ववर्ती नदियां हैं, ठीक है, ये पहले से बह रही है परंतु अपने मार्ग को गहरा नहीं कर रही है, इसलिए पूर्ववर्ती है। आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जल विभाजक। जल विभाजक किसे कहते हैं, ठीक है।